हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आया हूँ एक नया क्वेश्चन लेके जो कि जर्नल एंट्री से जुड़ा हुआ है, मीन्स जर्नल एंट्रीज ही है और जो कि क्लास 11 का है। सो जर्नल एंट्री डिस्कस करने से पहले पहले ये बता देता हूँ कि सबको गोल्डन रूल के बारे में पता होना चाहिए। अब गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल में हमने ये जाना है कि तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तीन तरीके के अकाउंट्स को हम डील करते हैं। एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है रियल एंड तीसरा होता है नॉमिनल। पर्सनल में हम जितने भी नाम से जुड़े हुए अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि लिविंग थिंग्स तो राम श्याम या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम ले लो तो वो नाम को तुम कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि अमल बिमल रीता मीता कोई भी नाम। अब ये तो लिविंग थिंग्स हुए ना, इंसानों के नाम। अब मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उन सारे चीज़ों को भी तुम कंसीडर कर सकते हो पर्सनल अकाउंट के अंदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ रियल। रियल में हम सारे एसेट्स को डील करते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे एसेट्स होंगे उनको रियल अकाउंट में तुम कंसीडर करोगे। नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल में तुम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स इनको डील करोगे, ठीक है। अब डील तो करेंगे, ये तो बता दिया गया, लेकिन कैसे डील करेंगे, मीन्स कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, वो तो मालूम होना चाहिए। सो पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल के बारे में। सो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है वो रूल है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल, वो रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन पर्सनल अकाउंट के अंदर जिस भी पर्सन का अकाउंट तुम डील करोगे, उस पर्सन के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचोगे कि उस पर्सन ने रिसीव किया है या फिर किसी को दिया है। अगर वो रिसीवर है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देना है, और अगर वो गिवर है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एंट्री डिस्कस करता हूँ, जैसे कि मान लो कि इफ़ वी गेव 20,000 टू गोपाल, हमने 20,000 गोपाल को दिया है। क्या किया है, गोपाल को हमने 20,000 दिया है। तो फिर यहाँ पर नाम कौन सा है, गोपाल, राइट। सो उसको हम पर्सनल अकाउंट में डील करेंगे। अब गोपाल को क्या हुआ है, गोपाल यहाँ पर मीन्स गोपाल को मिला है कि नहीं मिला है, गोपाल रिसीवर है या फिर गिवर है। यहाँ तो गिवर हम है ना, और गोपाल रिसीवर है। सो क्योंकि गोपाल रिसीवर है तो मैंने क्या कहा था, डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल को हम डेबिट कर देंगे। सो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया। एक और एंट्री बताता हूँ। इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ वी रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम गोविंद, इस बार हमने 50,000 रिसीव किया है गोविंद के तरफ से। सो गोविंद रिसीवर है कि गिवर है, गोविंद गिवर है। सो गिवर होने से मैंने क्या कहा था, क्रेडिट द गिवर। सो गोविंद को हम क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो फिर हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, 50,000 अमाउंट डाल देंगे। सो डेबिट क्रेडिट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वो समझो। इस बार गोविंद गिवर है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, समझ में आया। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के। सो रियल अकाउंट में हम एसेट्स को डील करते हैं, जैसे कि कैश और अदर प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट का फॉर्मूला यह है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कहा, फिर से अपने कॉपी में ये नोट डाउन कर सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। समझ में आ रहा है। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि इफ़ मशीनरी इज़ बॉट फॉर 5 लाख, मशीनरी ख़रीदा गया 5 लाख रुपए से। सो ये जो मशीनरी है, ये एसेट है जिसको हम रियल अकाउंट में डील करेंगे। सो ये आ रहा है कि जा रहा है,
ये आ रहा है, बॉट क्या है ना, BOUGHT, बॉट मतलब खरीदा है। वो आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। हम क्या एंट्री देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक और एंट्री लेते हैं, या फिर ना लेने से भी होगा। समझ में आ रहा है ना, इस बार आ रहा था, मैंने मशीनरी को डेबिट किया, तो अगर नेक्स्ट किसी एग्जांपल में मैंने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास से जा रहा है, मींस जब सेल वगैरह करते हैं, परचेज कर रहे तो आएगा ऑब्वियसली, और सेल करेंगे तो जाएगा। सेल करने के समय मान लो कि मशीन सेल कर दिया तो मशीन जाएगा, तो तब हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल्स में बताया गया है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसको डेबिट, और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। अगर फिर से अगर डिटेल में तुम लोगों को इस टॉपिक में और डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इस गोल्डन रूल के ऊपर एक और डिटेल में डिस्कशन रखूंगा, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट नॉमिनल को शॉर्ट में ख़त्म कर दें। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और सारे के सारे इनकम्स को क्रेडिट करना है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, इफ़ 20,000 आर पेड फॉर सैलरी, अगर 20,000 सैलरी के लिए हम पेड करते हैं तो क्या होगा। जैसे कि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे तो कैश से ही जा रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट तो आ ही गई। अब अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर लूँ, इफ़ 5,000 आर रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के लिए 5,000 हमने रिसीव किया है। अब रिसीव्ड कमीशन तो एक इनकम हुआ ना, जो भी इनकम होंगे उनको क्रेडिट करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। हमारा एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, या फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। आई होप तुम लोगों को ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैंने रूल्स भी डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। समझ में आया, ये गोल्डन रूल तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके हम जनरल एंट्री करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये गोल्डन रूल समझ में आया होगा। फिर भी अगर और भी डिटेल में इसका डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआरएम एंड सॉन्स, ये कंपनी का नाम है। ओके, डेट गिवेन है 1 जनवरी 2020, सीआरएम एंड सॉन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश के साथ, तो इसका जर्नल एंट्री हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। 5 जनवरी को परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। नेक्स्ट 10 जनवरी पेड कैश टू सुभाष, सुभाष का पेमेंट किया गया है 8,000। नेक्स्ट 16 जनवरी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि के तरफ से, यानी कि रवि से हमने ख़रीदा है, उस कंपनी ने ख़रीदा है कैश में, गुड्स खरीदे हैं 7,500 के। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000, इस बार फॉरकैश नहीं लिखा है, मींस ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्रेडिट में हुआ है, पैसे देना अभी भी बाकी है, ड्यू है। ओके, अमाउंट ड्यू है। नेक्स्ट है 20 जनवरी बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदा गया कैश में 8,000 से। लास्ट है 27 जनवरी पेड रेंट 400। क्लियर, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब आंसर डिस्कस कर दे। ये क्वेश्चन ना तुम लोग नोट डाउन कर लो, तब मैं जब आंसर डिस्कस करूँगा तो सामने क्वेश्चन रखोगे तो समझने में आसानी होगी। चलो आंसर डिस्कस करते हैं।
सो देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि 1 जनवरी में जो क्वेश्चन ट्रांजेक्शन था, CRM एंड सोन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू किया गया है कैश के साथ, तो बिजनेस में कैश आ रहे हैं। और मैंने ये बात पहले से बोल के रखा था और आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर कैश या बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो तुम्हें डेबिट करना है, ठीक है, और अगर पैसे जा रहे हैं तो तुम्हें क्रेडिट करना है। अब ये ऐसे फिक्स्ड रूल मान के भी सीख सकते हो, और अगर चाहो तो मैं गोल्डन रूल अप्लाई करके भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि गोल्डन रूल के जो रियल अकाउंट वाला पोर्शन होता है, 3 अकाउंट्स डील करते हैं ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल में एसेट्स को डील करते हैं और एसेट्स में कैश आता है। सो रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो भी आएगा तुम्हारे तरफ उसको डेबिट करना है, और जो भी जाएगा एसेट, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो कैश देखो, इस बार हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश आ रहे हैं, तो कैश को डेबिट करना है, इसीलिए कैश को डेबिट किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। और जब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वाला अमाउंट हम कौन से अकाउंट में कंसीडर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बिजनेस में जो फर्स्ट टाइम पैसा लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, हमारा बिजनेस का पूंजी, समझे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया। ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, ये ऐसे टाइप के जितने भी एंट्रीज रहेंगे इनका आंसर एक ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन अगर बैंक वाला टॉपिक अगर उन लोगों ने मेंशन कर दिया, बस कैश के जगह पे बैंक लिखना है और कुछ नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अब जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन देना पड़ता है। ये देखो, यहाँ पर नरेशन प्रोवाइडेड है। नरेशन में कुछ नहीं, यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है कैश ब्रॉट इन टू द बिजनेस बाई CRM एंड सॉन्स एज कैपिटल। नरेशन में एक्चुअली होता क्या है, ये जो जर्नल एंट्री प्रोवाइड किया गया है ना, तो इस जर्नल एंट्री किस वजह से हमने लिखा है उसका रीजन्स हम नीचे नरेशन में लिखते हैं। तो वो तुम क्वेश्चन पढ़ के तो समझ ही जाओगे, क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन होगा वो समझ के तुम जितना हो सके उतना लिख लेना। नरेशन लगभग वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग तुम ये एंट्री दे रहे हो, बस इतना ही। तो थोड़ा वो चेंज होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन, वो इसमें बताया गया कि परचेज गुड्स फॉर कैश। क्वेश्चन में देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स बोला है ना, परचेज किया है और वो भी गुड्स। अगर गुड्स बोल रहे हैं तो परचेज अकाउंट ओपन कर देना है। गुड्स के साथ अगर परचेज लिखा है तो परचेज अकाउंट, गुड्स के साथ सेल्स लिखा है तो सेल्स अकाउंट। लेकिन गुड्स के जगह पे कोई स्पेसिफिक सामान का नाम बता दिया, जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, या फिर प्रिंटर हो गया, ऐसा कुछ नाम वो लोग बता के देते हैं तो उस पर्टिकुलर नाम का अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अगर सिर्फ गुड्स बोल के छोड़ देते और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और साथ में परचेज या सेल लिख रहे, तो परचेज लिख रहे तो परचेज अकाउंट और सेल्स लिख रहे तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज लिखा गया तो हमने परचेज अकाउंट ओपन कर दिया। और एक बात याद रखना, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, 99.99% परचेज अकाउंट डेबिट होता है। 4 अकाउंट तुम फिक्स्ड मान के सोचो, वो 4 अकाउंट तुम रिमेंबर कर सकते हो, जैसे कि परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। उसके बाद एक और अकाउंट है परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट होता है जब परचेज में से कुछ चीज़ तुम रिटर्न कर रहे हो, तो वो परचेज रिटर्न अकाउंट में दिखाओगे। अब परचेज डेबिट है ना, तो सेल क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट है तो सेल क्रेडिट होगा। अब सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या होगा, सेल रिटर्न भी डेबिट होगा, सेल का ऑपोजिट। सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट, समझे। ये 4 अकाउंट फिक्स्ड है, ये तुम एकदम रिमेंबर कर लो, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। इनमें से कोई भी एक भी याद रखते हो ना तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे सिर्फ ये याद है कि परचेज अकाउंट डेबिट है, तो परचेज डेबिट है तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और परचेज डेबिट है तो ऑब्वियसली सेल्स भी क्रेडिट होगा, और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न भी डेबिट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो देखा ना, एक याद रखने से बाकी सब भी याद रख सकते हैं।
अब इनके इंफॉर्मेशन डिस्कस करना बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने परचेज गुड्स किया फॉर कैश, कैश में परचेज किया, तो पैसे हमारे कहाँ से जा रहे? कैश में से। तो कैश में से पैसे जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, कैश में अगर पैसे आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, कैश में अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, और कैश में से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो इस हिसाब से देखो, कैश को क्रेडिट किया गया, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो परचेज डेबिट होगा, और ऊपर से हमने सीख के भी रखा था कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो दोनों ही लॉजिक से ये जनरल एंट्री फिट हो गया। तो देखो फाइनल जनरल एंट्री हमारा क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट तो जो प्रोवाइडेड है वो सेम टू सेम लिख लोगे, और यहाँ नरेशन क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन को भर के थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिख देना है, गुड्स परचेज फॉर कैश। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है जनवरी 4। जनवरी 4 में बताया गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, इस बार फॉर कैश नहीं बताया गया, नाम दिया गया है सिर्फ, दैट मीन्स वो जो परचेज किया गया वो क्रेडिट में किया गया है, अमाउंट पे अभी भी ड्यू है, पेड नहीं किया गया। सो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सो परचेज है, गुड्स के साथ परचेज लिखा हुआ है, तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो देखो परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, सो परचेज अकाउंट तो डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, उसके पहले हमने क्रेडिट में कैश लिखा था क्योंकि कैश पेमेंट किया था, इस बार कैश पेमेंट तो किया नहीं, तो क्या लिखेंगे, इस बार सुभाष का नाम लिखेंगे, जो भी पर्सन का नाम प्रोवाइडेड होता है उस पर्सन का नाम लिखना पड़ता है। अब देखो सुभाष का नाम हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, फ्यूचर में हम जिनको पैसे देने वाले होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और फ्यूचर में जो पर्सन हमको पैसे देने वाले होते हैं वो डेटर होते हैं। अब क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं और डेटर को डेबिट, तो सुभाष हमारा क्रेडिटर है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो इस लॉजिक से भी ये सही है, और उस लॉजिक से जो मैंने बोला था कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो ऑब्वियसली सुभाष अकाउंट क्रेडिट होगा, तो दोनों ही लॉजिक से ये फिट हो गया, तो हमारा जर्नल एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, समझ गए। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिख के देगा ना तो तुम्हें ऑन क्रेडिट ही मानना है, क्योंकि फॉर कैश लिख के नहीं दिया, ऊपर से पर्सन का नाम भी मेंशन है, क्लियर। अब आगे देखते हैं जनवरी 5 में ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, देखो इस बार फॉर कैश भी बोल के दिया और परचेज गुड्स नहीं बोला, फर्नीचर बोला है, तो गुड्स होने से हम परचेज अकाउंट ओपन कर देते, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नाम मेंशन करके दिया है फर्नीचर, सो दैट वी हैव ओपेंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि मैंने बोल के रखा था कि फर्नीचर जो है वो एसेट है और एसेट रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट के फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये फर्नीचर हमारे तरफ आ रहा था क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया, समझ में आया। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, सेम कैश भी रियल अकाउंट में आता है और कैश हमारे तरफ से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, सो दोनों ही लॉजिक से ये फिट हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट तो क्वेश्चन से उठा के हमने सेम टू सेम यहाँ पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट 10 जनवरी में बोला गया पेड कैश टू सुभाष, देखो पहले हमने सुभाष से ख़रीदा था ना, एक एंट्री दिया था जहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया, इस बार हमारे पास पैसे आ गए और हमने सोचा कि पेमेंट कर देते उसका, तो सुभाष को पेमेंट किया गया है, तो पेमेंट कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली कैश से, तो कैश से पैसे जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट, और सुभाष अकाउंट जब पैसे हमारा देना बाकी रह गया था तब उसको क्रेडिट करके रखा था, तो अब अगर उसको दे देंगे पैसे तो उसका सारा हिसाब किताब ख़त्म ना, तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए उल्टा एंट्री देना पड़ेगा, तो सुभाष अकाउंट को डेबिट, समझे, सुभाष अकाउंट को डेबिट। सो इस लॉजिक से, जैसे कि लॉजिक ये था सुभाष अकाउंट को क्लोज करना है तो पहले क्रेडिट 12,000 करके रखा था, अब डेबिट 8,000 कर देंगे तो उस 12,000 से 8,000 माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, अब सिर्फ 4,000 दिखाएगा, तो उस लॉजिक से भी ये सही है। और पर्सनल अकाउंट जो गोल्डन रूल का है उस हिसाब से भी देखते हैं, सुभाष अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर कैश सुभाष ने रिसीव किया है तो उसको डेबिट कर दिया, उस हिसाब से भी ये सही है, तो दोनों ही लॉजिक से ये फिट बैठ गया, तो हमारा जर्नल एंट्री हो गया सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री में बोला गया है 16 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश,
फ्रॉम रवि फॉर कैश, नाम दिया लेकिन साथ में फॉर कैश दे दिया, तो नाम की ज़रूरत नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश को कंसिडर करेंगे, क्योंकि परचेज गुड्स बोला है, गुड्स के साथ परचेज है और गुड्स नाम है, सो परचेज अकाउंट ओपन कर देंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो हमने डेबिट कर दिया, और कैश हमारे तरफ से जा रहा है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट 17 जनवरी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इस बार फॉर कैश नहीं बोल के दिया है, सो ये हम यही मानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है, तो क्रेडिट में हुआ है तो कैश अकाउंट आएगा नहीं, पर्सन का नाम आ जाएगा। तो सेम परचेज हुआ है वो भी गुड्स, तो परचेज अकाउंट तो ओपन करेंगे और उसको डेबिट करेंगे, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, इस बार पर्सन का नाम लिखेंगे रवि अकाउंट, क्लियर। नरेशन तुम लोग दे देना, यह लिखा हुआ है पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट 20 जनवरी, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदा गया है वो भी कैश में, सो मशीनरी नाम मेंशन करके दिया गया ना, तो मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे, और परचेज किया है वो भी कैश में, तो कैश से पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट, और मशीनरी जो कि रियल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, और डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मशीनरी आ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। नरेशन लिख लेना। लास्ट एंट्री रेंट पेड, सो पेड रेंट में हमने रेंट पेड किया है, राइट। सो रेंट एक एक्सपेंसेस है जिसको हम डील करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, गोल्डन रूल में एक अकाउंट है नॉमिनल, उसमें हमने फॉर्मूला सीखा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, सो रेंट एक एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और कैश हमारे तरफ से जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो भी प्रोवाइडेड था वही सेम टू सेम लिखा गया। ये इसी के साथ हमारा सारा जर्नल एंट्री ख़त्म हो जाता है, और एक बात याद रखो, हमेशा जर्नल एंट्री जब कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है तब दोनों साइड का तुम्हें टोटल करना है, मीन्स डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड दोनों टोटल किए गए, और टोटल बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए, 1,16,900, अगर सेम आ रहा है तो सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं तुमने गलती कर दिया तो रीचेक करना पड़ेगा। आई होप ये जर्नल एंट्री और इसके सारे मीन्स क्वेश्चन और सारे सॉल्यूशन में जो एंट्रीज डिस्कशन किए हैं वो सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा। लास्ट में थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका था, फिर भी अगर किसी भी एंट्री में कोई भी तुम लोगों का डाउट रहा, कोई भी क्वेश्चन रहा तो तुम लोग कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग जर्नल एंट्री या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर कुछ और, जैसे कि जर्नल एंट्री में फिल इन द ब्लैंक्स, जर्नल एंट्री के साथ GST को डील करना, कोई भी टॉपिक जो भी तुम चाहो वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में ध्यान पर रखूँगा, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वही टॉपिक पर मैं क्लास ले लूँगा। वैसे तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ये क्लासेस शूट करने में, तो एटलीस्ट मैं कोशिश ये करता हूँ कि संडे को मैं एक क्लास तो ले ही लूँ, ठीक है। तो पूरे हफ्ते में अगर तुम्हें क्लास मिले या ना मिले, लेकिन संडे को एक ज़रूर मिलेगा, और फिर भी मैं अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया है, तो कोशिश करूँगा कि संडे से पहले भी एक दो क्लास ले सकूँ, और तुम अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, और तुम्हें क्या क्या चाहिए नेक्स्ट वो भी मेंशन कर देना, और ठीक है, मिलते हैं बाद में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, बाय बाय।